1,20,000 इसका रेट है माशाल्लाह से। 1,05,000 रुपये जोड़ी का मांग रहे हैं, 45,000 रुपया इसका मांग रहे हैं माशाल्लाह से। आप देख रहे होंगे इनके पास दो बकरे हैं, इन्होंने पकड़े हुए हैं। क्या मांग रहे हैं बकरों का? 1,00,000 मांग रहे हैं दोनों बकरों का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं बर्ड फार्मिंग चैनल। उम्मीद है सब खैरियत होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज हम आए हैं लोड की सबसे मशहूर मंडी शाहपुर कांजरा में। आज हम आपको बकरों के रेट, गायें और ऊन के रेट से अपडेट करेंगे कि मंडी की क्या सूरत हाल है, क्या क्या रेट जा रहे हैं। जैसे कि आपको ईद उल अज़हा बहुत करीब है और मंडी लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल गाह कोई भी नहीं है। तो आपको मज़ीद आगे चल के वीडियो में दिखाएँगे कि क्या सूरत हाल है मंडी की, जिसमें आपको बकरे के रेट, गायें और ऊन के रेट से अपडेट करेंगे। वीडियो मुख्तलिफ पार्ट्स में आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिए बगैर टाइम वेस्ट किए, वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप भी अपने फार्म या कारोबार की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, शुक्रिया। फ्रेंड, हम मलक अजीम बख्श के पास मौजूद हैं, इनके पास बहुत सारे बकरे हैं। इनसे पूछते हैं किस जगह से हैं, उनको इनके पास किस रेट से लेके किस रेट तक के बकरे हैं। हाँ जी, किस जगह तो आए हो? जिला राजनपुर कनो। अच्छा, तो केरे बकरे लेके आए हो, केरी नस्ल के बकरे? नुकरे चिट्टे सफेद। अच्छा फ्रेंड, ये आप देख रहे होंगे इनके पास ये राजनपुरी नस्ल है, तो इसके रेट पूछते हैं, इसका रेट क्या है? ये जरा बकरा तुम्हें फड़े है, इसका की रेट है? 1,20,000। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा लंबा कद है इसका और वेट भी काफ़ी अच्छा है। धुंधा है चौगा है? धुंधा। ए जरा बहाना फ्रेंड, ये देख रहे हैं धुंधा है। फ्रेंड, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनसे रेट कर सकते हैं बकरों के। और जैसे कि आप देख रहे हैं इनके पास ये बकरा, इन्होंने जो बकरा हुआ है, और उसके अलावा इनके पास मज़ीद और भी बकरे हैं। तकरीबन इनके पास 30,000 से 40,000 से शुरू होते हैं बकरे, उसके बाद 1,00,000 2,00,000 तक बकरे हैं इनके पास। तो ये आप देख रहे हैं, ऐ कड़ी नस्ल है? राजनपुरी। राजनपुरी माशाल्लाह से आप ये देख रहे हैं, इसका रेट क्या? 1,20,000 इसका रेट है माशाल्लाह से। नंबर आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड मलक नजीम भाई ये एक और बकरा दिखा रहे हैं हमें, ये देसी राजनपुरी बकरा कह रहे हैं। अच्छा, इसका रेट की है? 45,000 रुपया इसका मांग रहे हैं माशाल्लाह से। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा है। कितना का वेट होएगा अंदाजन? वजन? हाँ जी, वजन 20 किलो 25 किलो। 20 से 25 किलो इसका वजन है। और रेट की है? 45,000। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं 45,000 का है। और धुंधा चौगा है ज़रा बुखार। अगर किसी भाई ने लेना होए ते वो थोड़े ना राबता करे, ते अगर कोई साड़ी वीडियो वेख के आए तो वो कोई डिस्काउंट हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगी। ठीक है, भाई ने कह दिया है डिस्काउंट हो जाएगा। ये मज़ीद आप बकरे पीछे देख रहे हैं, मैं एक एक करके आपको और भी बकरे दिखाता हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड मलक अजीम भाई के पास हैं हम मौजूद, और इनके पास आप बकरे देख रहे होंगे माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में इनके पास बकरे हैं। मंडी में फ़िलहाल सूरत हाल बिल्कुल ठंडी है, मंडी में बिल्कुल गाहक नहीं है। और किसी भाई ने अगर कोई बकरा परचेज करना हो तो आप मलक अजीम भाई से परचेज कर सकते हैं। ये एक और बकरा हमें दिखाने लगे हैं, ये है कड़ी नस्ल है की? देसी राजनपुरी। माशाल्लाह से आप बकरा देख रहे होंगे, बकरे का साइज़ भी देख रहे होंगे, और इसको मैं अगर फ्रंट से दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा साइज़ है। अदर रेट की है? 55,000। 55,000 का ये दे रहे हैं। अगर कोई हमारी वीडियो देख कर आता है तो उनको डिस्काउंट भी हो जाएगा। और मज़ीद बकरे हैं इनके पास, ए धुंधा है चौगा है अदरा बखाना धुंधा होता है माशाल्लाह से धुंधा है, और रेट भी बिल्कुल मुनासिब ही है। आप खुद इधर आएँ और देख के जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ये शाहपुर मंडी जैसे ही एंटर होते हैं तो पहला जो वाड़ा आता है जहाँ पे बकरों की मंडी लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी बकरों की मंडी है।
तो आप आके इनके एंड पे बैठे हुए हैं, तो इनसे आके आप रब्ता कर सकते हैं और ये मुनासिब रेट में आपको बकरे भी मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है ईद उल अज़हा की आमद आमद है और बकरों के जो रेट हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन ये भैया आपको डिस्काउंट पे बकरे दे देंगे। तो ये देख रहे हैं जैसे कि ये ब्राउन बकरा है, ऐसा की रेट है ए ब्राउन वाले का 50,000 ये बकरे का मांग रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ऊंचा लंबा गाद है इसका, और ये देखें दोंदा है, दोंदा है माशाल्लाह से। इनके पास सारे दोंदे बकरे हैं, तो अगर आप में से किसी भाई ने इनसे परचेज करने हैं तो नंबर इनका स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद हम आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या बकरों के रेट हैं और मज़ीद आपको अपडेट देते हैं। हम सदीक भाई के पास मौजूद हैं, इनके पास काफ़ी सारा बकरे हैं, मक्खी जीने इनके पास हैं, देसी मक्खी जीने। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ये पीछे सारे इनके ही बकरे हैं, और वो जो पीछे भी पड़े हुए हैं वो भी सारे इन्हीं ही बकरे हैं। तो इनसे रेट पूछते हैं, इनके पास एक बकरा है तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी उसकी सेहत है। अस्सलाम वालेकुम। केड़ी जगह तो आए हो? करोल बकर तो केड़े बकरे लैके आए हो? मक्खी जीने बकरे ने माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे, इनसे हम रेट भी पूछते हैं। पहले तो अपना नंबर कोई दस दियो। हाँ जी 0300 98 95 131। ठीक है ना फ्रेंड, इनका नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करके तो इनसे आप बकरे ले सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये नस्ल है मक्खी जीने से, राजनपुरी भी कहते हैं, देसी मक्खी जीना, देसी मक्खी जीना है। माशाल्लाह से इसका आप कद देख रहे होंगे, और ये आपको मैं फ्रंट से भी दिखाता हूँ। दोंदा है, चौगा है, ज़रा वो खाना छग्गा है का। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, ऐसा की मांगते पे हो? 1,50,000 रुपया इसका मांग, ये आप देख रहे होंगे 1,50,000 रुपया इसका मांग रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कद काट में, बहुत अच्छा बकरा। घट्टो घट कितना वेट होएगा इसका? 1.5 मन कह रहे हैं इसका वज़न होगा तकरीबन, तो तकरीबन काफ़ी अच्छा है, अच्छी नस्ल है। इसके अलावा इनके पास और भी बकरे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो फ्रेंड, इनके पास एक और बकरा है, टैडी बकरा है। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से छोटे छोटे कान है। ऐ कैरी नस्ल है की? पेवर टैडी कह रहे हैं। तो माशाल्लाह तो बड़ा अच्छा बकरा है, ऐसा की मांगते पे हो? माशाल्लाह से 35,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। तो टैडी नस्ल है माशाल्लाह, दोंदा है चौगा है? दोंदा है। विखा देना जरा फ्रेंड, आप देख रहे होंगे दोंदा है। तो मज़ीद आपने अगर इनसे बकरे परचेज करने हैं तो नंबर इनका मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दस दौ अगर जी साड़ी कोई वीडियो वेख के आए थोड़े को रियायत होगी? कह रहे हैं रियायत कर देंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा बकरे हैं, वो आप पीछे सारे देख रहे होंगे, वो भी बकरे इनके हैं, और ये सारे इनके पास ये मक्खी जीने बड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम सारे बकरे तो नहीं दिखा सकते आपको, हमने एक दो बकरे दिखा दिए हैं, आप इनसे रब्ता करके तो इनसे बकरे आप परचेज कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी अच्छे हैं बकरे हैं, 2,00,000 से लेकर तकरीबन 35,000 तक के इनके पास बकरे हैं। हम अब्दुल कादिर भाई के पास आए हैं, तो इनके पास भी काफ़ी सारे बकरे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे पीछे भी इनके पास बकरे पड़े हुए हैं सारे, ये सारे इन्हीं के बकरे हैं। इनके पास तकरीबन कोई 30,000 से लेके 1.5-2 लाख तक के बकरे हैं, और एक बकरा इन्होंने पकड़ा हुआ है। इनसे पूछते हैं क्या क्या रेट हैं इस बकरे के। अस्सलाम वालेकुम। की नाम है तुम्हारा? किस जगह तो आए हो? रहीम यार खान से आए हैं, तो तहसील लियाकतपुर। तो आप ये बकरे देख रहे होंगे, इनके पास ये बकरा है, इनसे पूछते हैं इसका रेट क्या है। अदर रेट की है 1,20,000 रुपये इसका मांग रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, कद काट में भी काफ़ी अच्छा है। इसको हम इसका मुंह भी दिखाते हैं, ये आप देख रहे होंगे दोंदा है चौगा है? चौगा है, दांदा चेक करा देना दे। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे चौगा है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। और अगर कोई
ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਰੂਤ ਹੋਏਗੀ? फ्रेंड अगर आप इनसे परचेज़ करते हैं इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से इनके पास ये जोड़ी पूरी खड़ी हुई है। ए जोड़ी का मांगते पे 1,20,000 के एक पीस का 1,20,000 रुपया मांगते पे ने। और ये भी आप देख रहे होंगे ऐसा भी 1,20,000 तकरीबन 2,40,000 रुपये का इनके पास जोड़ी है ये वाली। ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से दोवें चौगे है ने चौगे हैं दोनों चौगे हैं। और इसके अलावा इनके पास और बकरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इनके पास सस्ते से सस्ता कौन सा बकरा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देख रहे होंगे आप इनके पास बहुत सारे बकरे हैं जैसे कि पीछे भी पड़े हुए हैं। अच्छा तो फ्रेंड अब्दुल कादिर भाई के पास एक और बकरा है ये देखें माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा काफ़ी खूबसूरत है। ये इसके मुंह भी देख रहे होंगे माशाल्लाह से ऐसा की मांग दे पे हो 30,000 इसका मांग रहे हैं माशाल्लाह से। अगर आप हमारी तरफ से अगर इनके पास आते हैं इनसे रब्ता करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट भी कर देंगे ऐसे ही है ठीक है। ये आप देख रहे होंगे हम एक एक करके सारे बकरे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरे हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको एक दो हमने बकरे दिखा दिए हैं। तो आपका इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मंडी में जैसे ही एंटर हों तो पहला जो कट आता है वहाँ पे बकर मंडी लगी हुई है जैसे कि आप देखें सारे यहाँ पे बकरे के स्टॉल लगे हुए हैं तो आप इनसे ना रब्ता करके तो रेट करके इनसे बकरे ले सकते हैं। फ्रेंड जैसे कि हमने आपको बकरे के रेट से अपडेट किया और जैसे कि हम बाहर वाली साइड पर जा ही रहे थे कि एक भाई हमें मिले हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये बकरों का रेट क्या है और कितने तक का ये दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है की मांगते पे बकरे का? हाँ जी 1,05,000 रुपये जोड़ी का मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से थोड़ा सा चलाना माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं कद काट में भी काफ़ी अच्छे हैं। फाइनल किन्ने तक का दे दोगे? 80,000 का कह रहे हैं जोड़ी फाइनल मिल जाएगी माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे। नंबर अपना दस दियो 0320 14 34 2300। नंबर भाई का आपको पता चल ही गया होगा आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक और भाई हैं इनसे हम पूछते हैं इनके पास दो बकरे हैं इन्होंने पकड़े हुए हैं क्या मांग रहे हैं बकरों का? 1,00,000 मांग रहे हैं दोनों बकरों का। तो माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे हैं कद काट में भी काफ़ी अच्छे हैं। फाइनल कितने तक दे दोगे? 90,000 का जोड़ी मिल जाएगी फाइनल। अपना भाई कॉन्टैक्ट नंबर बता दो 0305 0345 45 40 9046। माशाल्लाह आप इनसे रब्ता करके जो भी मुनासिब रेट हो तो आप इनसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बकरों के रेट से अपडेट किया तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन कौन सा बकरा अच्छा लगा और क्या क्या रेट होने चाहिए किस किस बकरे के। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।